बच्चे की किलकारी गूंजती है तो खुशियाँ फैल जाती हैं, लेकिन अगर बच्चे को जन्म से ही कोई तकलीफ हो जाए तो खुशी गम में बदल जाती है। एक ऐसी बीमारी है क्लब फुट, जिसमें जन्म से ही बच्चों के पैर टेढ़े होते हैं, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज है और बच्चे इस इलाज के बाद बिल्कुल स्वस्थ जीवन यापन कर सकते हैं। इसी बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए क्योर इंटरनेशनल इंडिया देश भर में बड़े अस्पतालों के साथ मिलकर काम कर रहा है और इस सामाजिक उद्देश्य से फिल्म अभिनेता जॉन इब्राहिम भी अब जुड़ गए हैं। दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अनुराधा कपूर ने भी इस पूरे प्रोजेक्ट पर सभी के सहयोग की सराहना की। क्योर इंटरनेशनल ने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने मुझे ये पॉन्सेटी मेथड बताया कि क्लब फुट ट्रीट भी हो सकता है और एक बच्चा जो है वो नॉर्मली चल भी सकता है। मैं बहुत ही इम्प्रेस था एंड आई डिसाइडेड कि मैं इसे प्रमोट करने में जो भी मेरे साइड से जो भी मैं कर सकूं मैं करने को तैयार था। क्लब फुट की बीमारी का इलाज देश भर में मुफ्त किया जाता है और इस दौरान इस्तेमाल में होने वाले जूते भी मुफ्त दिए जाते हैं, मगर इसके लिए एक चीज की सख्त जरूरत होती है, धैर्य की, क्योंकि इसके ठीक होने में 1 से 2 साल का वक्त लग जाता है। अभी तक जो टेक्निक थे इसको ठीक करने के ऑपरेशन से होते थे, प्लास्टर करते थे लेकिन पूरी तरह से सही नहीं होता था, रिजल्ट अच्छे नहीं थे इसके। ऑपरेशन से भी ये देखा, शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में लेकिन बाद में हम देखते हैं कि फिर पैर टेढ़ा हो जाता है। तो ये तरीका जो अमेरिका में डॉक्टर पॉन्सिटी ने शुरू कराया हुआ सिटी में, ये एक ऐसा तरीका जो दिखा है कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं इसके। इस बीमारी से जूझ रहे कुछ बच्चे और इलाज के बाद ठीक हो चुके बच्चे भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे, जिनके माता पिता ने हमारे साथ अपने इस मुश्किल सफर को बांटा। पहले जब हम लेके गए थे डॉक्टर के पास तो इसके प्लास्टर वगैरह चढ़े थे, उसके बाद शूज मिले थे, अभी तक इलाज चल रहा है, अब बिल्कुल ठीक है, बहुत फर्क। क्योर इंटरनेशनल इंडिया भारत को क्लब फुट मुक्त देश बनाना चाहता है और उम्मीद करता है कि जल्दी ही उनका ये सपना पूरा होगा। ज्योतिका ग्रोवर, DD News, दिल्ली।